हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूजीसी नेट जीआरएफ सेशन में। आज हम लोग पेपर टू, जो कि आपका लॉ सब्जेक्ट से कमर्शियल लॉ, और टॉपिक है आपका काइंड्स ऑफ ऑफर, जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत आता है, ये समझेंगे। अगर इसको समझ जाला तो आपका दो नंबर तो पक्का हो जाएगा। काइंड्स ऑफ ऑफर में पहला जो है वो है आपका स्पेसिफिक ऑफर। क्या होता है ये ऑफर? विच इज मेड टू अ डेफिनेट पर्सन, जो किसी एक विशेष व्यक्ति को लेकर के ऑफर दिया गया हो या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन को लेकर के दिया गया है, उससे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं। जैसे अगर मैंने राम को कोई ऑफर दिया तो दैट इज स्पेसिफिक। इसमें और क्या होता है? इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन और द पर्संस टू हुम इट हैज बीन मेड। मतलब अगर मैंने राम को दिया तो राम, अगर ग्रुप ऑफ पर्सन राम श्याम मोहन को दिया तो इनमें से कोई भी एक एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज जर्नल ऑफर। जर्नल ऑफर क्या होता है? ऑफर To the public at large, एक तरीके से ये बहुतों को मिलता है offer. Any person performing the condition of the journal offer accept offer and create a binding promise. यहाँ पर accept की spelling पहले आप सही कर लीजिएगा, यह है accept, accept, ठीक है? चलिए, तो अगर आप public at large दे रहे हैं, जैसे कि ये केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का केस, ये केस ध्यान रखिएगा, ये जर्नल ऑफर के तहत आता है। इसमें आप पब्लिक एट लार्ज को ऑफर देते हैं और पब्लिक में से कोई भी बंदा, जो कोई भी आपके जो ऑफर में कंडीशन दिया गया था, अगर उसको फुलफिल कर देता है तो ये क्या मान लिया जाएगा? बाइंडिंग प्रॉमिस। यहाँ पर एक्सेप्टेंस कन्वे करने की जरूरत नहीं है। थर्ड इज एक्सप्रेस ऑफर। ऐसा ऑफर जो कि बाई वर्ड्स किया गया हो, आइदर इन रिटन और इन ओरल फॉर्म, एक्सप्रेसली किया गया हो, एक तरीके से समझिए, मतलब खुले तौर पर यह चीज कही जा रही हो। फोर्थ है इंप्लाइड ऑफर। ऑफर विच इज मेड अदर देन वर्ड्स विल बी इंप्लाइड। इंप्लाइड का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए कोई कंडीशन फुलफिल करने के लिए कहा गया तो आपने उस कंडीशन को फुलफिल कर दिया, तो आपने शब्दों के द्वारा नहीं कहा कि आई एम एक्सेप्टिंग दैट पर्टिकुलर ऑफर, ठीक है? तो इस तरीके से ये भी समझ गए आप। फिफ्थ इज स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ऑफर या फिर ओपन ऑफर। इसे कई कई टेंडर से रिलेट करते हैं। अगर आपसे पूछता है टेंडर क्या है तो स्टैंडिंग कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर आप उसको कह सकते हैं। विच रिमेन्स ओपन फॉर एक्सेप्टेंस फॉर अ सर्टेन टाइम, जो कुछ समय सीमा के लिए खुला रहता है। इतने में अगर 10 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर जो भी आपने ऑफर में टाइम मेंशन किया हो, उस टाइम के अंदर अगर एक्सेप्टेंस हो रहा है दैट इज गुड, अदरवाइज नॉट गुड, दैट विल बी नॉट हैविंग एनी लीगल बाइंडिंग फोर्स बिहाइंड दैट। ऑफर में बी विड्रॉन एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से पहले अगर आप मान लीजिए 5 दिन में कहें कि 5 दिन में जो कोई भी इसको एक्सेप्ट करेगा उसके साथ हम अपना क्या करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेंगे। लेकिन अगर आप तीसरे दिन किसी ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, आपने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा? आपने अपना जो ऑफर है वो विड्रॉ कर लिया। एक इस केस है, इसमें स्टेट बैंक ऑफ पटियाला वर्सेज रमेश चंद्र कनौजिया, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन इज अ क्रॉस ऑफर। When offer is made by two persons containing the similar terms without having knowledge of the offer made by one to other cross each other in pass, they are called the cross offer. मतलब एक जैसा offer दोनों ने एक दूसरे को दे डाला तो life cross offer जैसी हो जाने का, not life जिंगा लाला। यहाँ पे cross offer वाला concept समझना है। तो hope so ये आपको बात समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा प्यारा सा lecture आपके सामने UGC NET को लेकर के बनाया गया है। स्टैंडिंग ऑफर से क्वेश्चन बनता है, मेरी बात पे विश्वास मत कीजिएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर को देख लीजिएगा, ठीक है? यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे आप चाहें तो हमारे पेड कोर्स में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अदरवाइज ये ऐसे ही कुछ कुछ आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज अवेलेबल रहेंगे जिनसे आपका एग्जाम क्रैक हो भी सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।